के डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पूरा मिरर नहीं होता तो क्या होगा। लास्ट टाइम पे हमने यही देखा कि एनाइशोमर्स क्या है और आइडेंटिकल क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डलेगी इफ मोर देन वन कायरल कार्बन आर प्रेजेंट, कार्बन आर प्रेजेंट। तो एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे तो हमारे लिए क्या होगा। सही है, तो आप पहले तो ये देखिए, एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे तो किस फॉर्मेट में होंगे। हम फिशर पे ही बात करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये हमारे पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन है। कौन सा कायरल कार्बन है? एक तो ये है और एक ये है। क्या दोनों ही कायरल कार्बन है? हाँ या ना? बिल्कुल। तो जब ये दोनों ही कायरल कार्बन है तो यहां दो बातें हो सकती है। पहली, फर्स्ट हमारे पास ये कंडीशन हो सकती है, बल्कि मैं तो कहूंगा तीन बातें हो सकती है और कहूंगा नहीं चार हो सकती है। कैसे देखते हैं। तो चार कंडीशंस कौन सी होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहली कंडीशन ये हो रही है कि आपको ये कंपाउंड पूरी तरह से ऐसे दिख रहा है, ए एक्स सी वाई जेड बी। आप बताइए ये इसकी तरफ से कंप्लीट मिरर है या नहीं है? है। देखो, ए के सामने ए, एक्स के सामने एक्स, जेड के सामने जेड, बी के सामने बी, कंप्लीट मिरर है। तो ये इसका क्या कहलाएगा? एनेंशियोमर्स। बोलो यस और नो। और ये हो सकता है कि आधा मिरर हो और आधा ना हो, यानी कि ए के सामने ए, ये तो हो गया, लेकिन एक्स के सामने वाई हो गया। तो बताइए ये एक दूसरे के क्या होंगे? ये कहलाएंगे डाइस्टीरियोमर्स, यानी आधा मिरर है आधा नहीं है, डाइस्टीरियोमर्स। तो इसका मतलब ये डाइस्टीरियोमर्स है और ये एक दूसरे के क्या है? एनाइशोमर्स है। ये हमारे लिए हो जाएगा, अगर ऊपर वाला मिरर नहीं होता, ए के सामने ए नहीं होके सी होता और नीचे वाला मिरर हो जाता एक्स के सामने एक्स, तो भी ये क्या होता? डाइस्टीरियोमर्स। और अगर पूरा ही नॉन मिरर होता, यानी ए के सामने सी और एक्स के सामने वाई, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता? आइडेंटिकल, क्योंकि कंप्लीट अनमिरर है। तो जब आधा मिरर है आधा नहीं है, डाइस्टीरियोमर्स, कंप्लीट मिरर है एनेंशियोमर्स, कंप्लीट नॉन मिरर है आइडेंटिकल। तो हमें पहली बार डाइस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन मिली। तो आप बताइए कि ऑप्टिकल कंपाउंड्स के अंदर डाइस्टीरियोमर्स कितने कायरल से चालू होगा? एक से या दो से? दो से। एक कायरल में तो या तो कंप्लीट मिरर होता है या कंप्लीट नॉन मिरर होता है। आधा हो आधा ना हो, इसके लिए मिनिमम कितने कायरल कार्बन चाहिए? दो। तो ये हमारे लिए डेफिनेशंस हो गई। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आपको डाइस्टीरियोमर्स की डेफिनेशंस क्या मिलेगी? एनाइशोमर्स की डेफिनेशन तो हो गई, कंप्लीट मिरर यानी कंप्लीट मिरर पूरा तरह से। ठीक है, डाइस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन क्या होगी? डाइस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन बताइए आप क्या होनी चाहिए सोच के। दो तरह से डाइस्टीरियोमर्स बनते हैं। पहला, इन केस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव, समझना, इन केस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स है, लिखते जाए। इन केस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, गेटिंग टू और मोर
काइरल काइरल कार्बन एटम्स, काइरल कार्बन एटम्स। टू और मोर काइरल कार्बन एटम्स एंड टू कंपाउंड्स, टू कंपाउंड्स उसके बाद देखने, टू कंपाउंड्स आर नॉट, आर नॉट की जगह आर पार्शियली लिखिए, ज्यादा पार्शियली मिरर इमेज, टू ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। यानी कुल मिला के अब हमारे पास ये कंप्लीट मिरर इमेज नहीं है, पार्शियली मिरर है, ये भी पार्शियली है, एक पार्ट है एक पार्ट नहीं है। अगर किसी में तीन काइरल है तो एक अगर सेम भी आ गया या दो एक सेम आ गए और एक अपोजिट चला गया तो भी वो क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये, ऑल जी आई ऑल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ आल्सो कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। इसका मतलब जितने भी जी आई है वो तो काइरल होते नहीं है, होते हैं क्या जी आई के अंदर, तो वो बिना काइरल के भी स्टीरियोमर्स डायस्टीरियोमर्स होते हैं। तो जितने भी जी आई है उनको भी डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं, सिस ट्रांस एक दूसरे के क्या है, डायस्टीरियोमर्स। तो इन दोनों को मिला के क्या डेफिनेशंस बन सकती है, इन दोनों को मिला के अगर डेफिनेशन बनाएंगे तो थोड़ी सी बेकार सी बनेगी, ये अच्छी डेफिनेशन है इससे आंसर सही आ जाता है, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड हो जाएगी, उसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि दोनों को मिला के हमने एक लाइन में किसी जगह सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर करना है तो लिख सकते हैं। और डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन ही होगी, टू नॉन सुपर इम्पोस्ट फुली सुपर इम्पोस्ट नॉन फुली सुपर इम्पोस्ट कंपाउंड्स आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो ये छोटा सा हमारे लिए आ सकता है कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपका काम इससे चल जाएगा और आप बहुत अच्छे से बता सकते हो ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं या नहीं है। दिक्कत क्या आती है कि मैं आपको अगर दो कंपाउंड दूं और न्यूमान और 100 हॉर्स में दूं और आपसे फिर पूछूं कि बताओ ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं या नहीं है, तो आपको थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो आप क्या करें डिफ़िकल्ट करने को, सॉल्व शॉर्ट आउट करने के लिए उसको फिशर में कन्वर्ट कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। तो कुछ एक एग्जाम्पल पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इनमें रिलेशन बताना है आपको ये एक दूसरे के क्या है। तो शुरू करें, आपको डायस्टीरियोमर समझ में आ गया, एनाइचोमर समझ में आ गया, तो चलिए तो इससे तो आपका काम चल जाएगा काफ़ी हद तक कि कौन किसका क्या है। ये इसका क्या है, एनाइचोमर्स, ये डायस्टीरियोमर्स, ये डायस्टीरियोमर्स। आप मुझे बता सकते हैं ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, एनाइशोमर्स। आप देखो इस कंपाउंड को जब देखोगे तो सी के सामने सी, एक्स के सामने एक्स, इस कंपाउंड को ऐसे तो ला सकते हैं अपन, तो सी के सामने सी, एक्स के सामने एक्स, ए के सामने ए मतलब पीछे की तरफ और वाई के पीछे की तरफ वाई, वो कब होइए, तो ये एक दूसरे के क्या है, एनाइशोमर्स। तो ये एक दूसरे के एनाइशोमर्स है। अच्छा, ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, चेक करें, C के सामने इधर C Y, ये भी एक दूसरे के एनाइशोमर्स है। अच्छा, ये एक दूसरे के क्या है, C के सामने C आ रहा है, X के सामने X, ये एक दूसरे के क्या है,
डाइस्टीरियो, पक्का। और ये एक दूसरे के क्या है, सी के सामने सी लेकिन एक्स के सामने वाई, डाइस्टीरियोमर्स। तो ये एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स हैं, और ये एक दूसरे के क्या है, सी के सामने सी, ये एक दूसरे के क्या है, डाइस्टीरियोमर्स। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं, अच्छे समझ में आ रहा है? सी के सामने देखो सी दिख रहा है, लेकिन वाई के सामने वाई नहीं दिख रहा। इधर इधर से देखेंगे, आप कहेंगे इधर से क्यों नहीं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इस तरह से घुमा, एज इट इज उठाना है अपन को, घुमाना नहीं होता है। ये उठा के वहां रख दिया और देख लिया, कोई डाउट नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम अच्छे एग्जाम्पल्स करते हैं। तो चलिए थोड़े से एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस करते हैं।